हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी करनी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो आप सबके लिए गुड न्यूज, डाउनट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां अंग्रेजी के टॉप टीचर्स एकदम बेसिक से अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी जाइए और डाउनट ऐप पर कोर्स अभी खरीदिए, अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के दिन स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भर्ती आपके निकाली गई है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, इसके फॉर्म की जो है लास्ट डेट है वो 23-24 जनवरी है। इससे पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। फॉर्म ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, फीस लगेगी या नहीं लगेगी, योग्यता क्या होगी प्रत्येक पोस्ट की, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप अंत तक बने रहिए। पदों की नाम है MTS, LDC, स्टेनोग्राफर और भी अन्य कई प्रकार के पद है इस भर्ती में। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ महत्वपूर्ण अपडेट। अपने जितने भी साथी हैं वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो ये रहा नोटिफिकेशन मित्रों, आप देख पाएंगे यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, तो ये वैकेंसी निकाली गई है। जिस प्रकार यहाँ पर देख सकते हो जवाहर सिंह गेट, तो अजमेर रोड जयपुर, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये जयपुर की वैकेंसी है, राजस्थान की वैकेंसी है। तो यहाँ पर जिस प्रकार देखेंगे आप इन पोस्ट का, तो इसका MD होना चाहिए आयुर्वेद में, पंच कुमरा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अनरिजर्व की जो है एक पोस्ट है। उसके अलावा आपको जो आपके काम की है, जो आप 10वीं 12वीं पास फॉर्म भर सकते हैं, इसे तो आप भर नहीं सकते सॉरी मित्रों, तो आपके लिए वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी, एक पोस्ट है। इसमें SC, ST, OBC, जनरल सभी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये अनरिजर्व है, यानी कि ये जनरल की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो इसमें HSC यानी कि 12वीं पास आप होना चाहिए, चाहे तो स्टेट से या सेंट्रल बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से। आपकी जो एबिलिटी टू राइट होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी शॉर्ट हैंड में, 30 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी टाइपिंग टाइप राइट में होनी चाहिए। तो ये बताया गया है पे स्केल, पे लेवल आपका 4, 25,500 से 21,100 रुपये मिलेगा। एज लिमिट नॉट एक्सक्लूडिंग, यानी कि आपको 28 को इंक्लूड नहीं करना है, उसके बाद का आपको 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरे, क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं आएंगे। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इसकी 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें भी 12वीं पास विद साइंस सब्जेक्ट एंड DM LT फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज आप इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट की जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है उससे होना चाहिए, और विद 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके स्टेनोग्राफर में कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। पे स्केल 5 के अनुसार मिलेगा, लेवल 5 29,200 से 92,300 रुपये मिलेंगे, 28 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 पोस्ट रिजर्व फॉर OBC, यानी कि केवल और केवल OBC वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए, या तो स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन का। पे स्केल आपका होना चाहिए लेवल 2 का, पे स्केल होगा आपका 19,900 से 63,200 रुपये तक मिलेंगे। एज लिमिटेड 30 साल तक। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC, इसमें 3 पद है, एक तो है OBC का, 2 है अनरिजर्व कैटेगरी का। इसमें आप 12वीं स्टैंडर्ड पास होने चाहिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है आपके पास जो है महत्वपूर्ण जानकारी, मैं बता रहा हूँ, या तो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। पे स्केल आप लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200, एज लिमिट 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक और वैकेंसी है, 11 पोस्ट है दोस्तों, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ,
ठीक है, ये वैकेंसी आपके 10वीं पास है, इसमें एससी की एक पोस्ट है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 2 है, अनरिजर्व्ड की 3 है, 1 पोस्ट एएसडी की है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पद है, देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास सेंट्रल या स्टेट से होनी चाहिए। पे इसके लेवल 1 होगा 18,000 से 56,900 रुपये तक, एज लिमिट 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग डेट तक। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंट्रैक्शन आप देख सकते हैं, आप इंडिया से होने चाहिए, आपके पास जो भी आप कैटेगरी में सर्टिफिकेट लगा रहे हो सबका सर्टिफिकेट होना चाहिए, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और आप दोस्तों जो इसकी क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने की, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, फॉर्म जब से ये निकला है तब से बाद से 70 दिन तक आपको फॉर्म भर देना है, यानी कि निकला है 24 नवंबर को, ठीक है, ये फॉर्म कब निकला है 24 नवंबर को, आपकी लास्ट डेट समझ लीजिए आप अंतिम जनवरी मान लीजिए। दोस्तों मैंने 23, 24, 23 ऐसे लिख दिया ताकि आप लोग उससे पहले पहले फॉर्म भर पाए, यदि लास्ट का इंतज़ार करोगे तो फिर अपने हाथ में कुछ नहीं आने वाला दोस्तों, वहाँ तक फॉर्म भी नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए आप लोगों को मैंने वो डेट मेंशन की है, ठीक है। आप समझ लीजिए 70 दिनों के अंदर अंदर आपको फॉर्म भरना है, 24 नवंबर से पहले ये फॉर्म निकला, 24 नवंबर को ये फॉर्म निकला था, ठीक है। तो आपको फॉर्म वगैरह सब कुछ आपको ये देख सकते हैं, ये सारा सब कुछ 60 दिन 70 दिन इससे पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर 70 दिन तो इन लोगों के लिए बताया गया है, और आप लोगों के लिए तो यहाँ पर दोस्तों 60 दिन है, 70 दिन इनके लिए बताया, इसलिए मैं डेट आपको बता रहा हूँ कि आपको 23 तारीख से पहले पहले भर दोगे, मैंने 60 दिन के हिसाब से बताया है उसमें, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो फिर आप चूक भी सकते हो, जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, तो इनके लिए है 70 दिन, आपके लिए है 60 दिन, ठीक है। तो आप अभी फॉर्म भरें, और आपको ये जो फॉर्म भर के 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डिमांड ड्राफ्ट पीस, सेल्फ असिस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल जितने भी काम है आपके, वो सारे सब कुछ के आपको यहाँ पर भेजना है डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जवाहर सिंह गेट, अजमेर रोड 30-20-02, इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए जो कि ज़रूरी थी, मैंने बता दिया है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये रहा फॉर्म, ये फॉर्म भर के अभी आप सेंड कर दीजिए तुरंत, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों को ये फॉर्म भरना है, आगे आप नहीं भरना चाहते हो, अपना कोई दोस्त भरना चाहता है ऑफलाइन फॉर्म, तो वहाँ तक इस जानकारी को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो बच्चा फॉर्म भर सके और वो नौकरी लग सके। आपका मन नहीं है फॉर्म भरने का तो आप ना भरें, पर अपने दोस्त को तो ये मौका दे सकते हैं। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ पर भी आपके पास प्लेटफॉर्म है स्टेटस लगा सकते हैं, कुछ भी आपका जो भी लग रहा है कि मेरे दोस्त को किस प्रकार फ़ायदा हो सकता है, तो आप वो काम ज़रूर करें मित्रों।